ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को, गणेश जी को। तो आज के छुपाए में आपको 5 गेहूं के दाने गुड़ लेकर शिव मंदिर में जाकर ये चमत्कारी उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी, चाहे वो लक्ष्मी को लेकर हो, वैभव को लेकर हो या धन को लेकर हो। तो शिव पुराण का अचूक उपाय कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। तो जैसा कि हमने बताया है, इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको गुड़ ले लेना है, ठीक है। गुड़ ले लिया, इसी के साथ आपको गेहूं के दाने लेने हैं। कितने गेहूं के दाने? 5 गेहूं के दाने लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो गेहूं के दाने हैं वो पूरे हों, कहीं से टूटे फूटे खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। वैसे तो इस उपाय को आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप शिवलिंग के ऊपर गेहूँ का उपाय करते हो तो आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है, खासकर जो विवाह से जुड़ी कामना है वो। इसी प्रकार से गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है, आलस्य दूर होता है। तो आपको करना क्या है, उन गुड़ सबसे पहले 5 गेहूं के दाने ना, उसमें से 4 गेहूं के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो जल्द से जल्द पूर्ण करें और अगर जीवन में बाधाएँ आ रही है, समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना निवेदन करते हुए सबसे पहले 4 गेहूं के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। और जो 5वां गेहूं का दाना है उसको उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। इसी प्रकार से जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और उनको भी जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। इतना कार्य कर लिया, उसके बाद उस जल के लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है, यानी कि जल का अभिषेक कर देना है गुड़ वाले जल से, ठीक। और यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो वह बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा, इसको रोककर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और गणेश जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की कामनाएँ इच्छाएँ जल्द से जल्द पूर्ण करें और जो भी विघ्न परेशानी समस्याएँ बाधाएँ दुख चिंताएँ आपकी जीवन में आ रही है उन्हें समाप्त करें। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही जरूर करिएगा। मेरे प्यार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो कम से कम 5 से 10 लोगों की मदद करें इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। ओम नमः शिवाय।